आज के डेट में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट मतलब कि दोस्तों निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जिसके दम पे दोस्तों मार्केट ने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई और लगभग आप देख सकते हो निफ्टी में भी बहुत बड़ी, अभी यहाँ पर आपको 3% के आसपास दिखाया जा रहा था दोस्तों, 5% के आसपास ये जो जंप मारा था। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लगभग लगता है दोस्तों 1500 के आसपास जो है इसमें भी तेज़ी थी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, आज हमारे गवर्नमेंट ने मतलब झोली भर भर के अनाउंसमेंट किया, ऐसा अनाउंसमेंट किया कि दोस्तों अनाउंसमेंट करने से पहले न्यूज़ के दम पे मार्केट बहुत ऊपर में ही मतलब कि आपको अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो क्या न्यूज़ था दोस्तों, वो आम जनता के लिए था, गरीबों लोगों के लिए था, सब लोगों के लिए था। तो वो न्यूज़ एक या दो नहीं है, बहुत सारे हैं, लिस्ट है, अगर आप लिस्ट सुनोगे तो उसी के दम पे जो है मार्केट आज भागता हुआ नजर आया है। और स्टॉक की बात कर लेते हैं, कुछ कुछ स्टॉक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंदुसेंड बैंक दोस्तों ये स्टॉक कहां से गिरते गिरते आ चुका है और आज के डेट में 50% कवर कर दिया। भाई इतनी बड़ी तेजी तो कभी ही कभी कभी आती है जो मार्केट को हिला के रख देती है। यस बैंक में 50% का तेजी आता है तो मान लेता हूँ, लेकिन दोस्तों इंदुसेंड जैसे बैंक में ठीक है वहाँ पर। उसके बाद फिर देख सकते हो बंधन बैंक में, भाई इसमें भी अराउंड आपको 40% की तेज़ी इसमें भी आपको देखी जा रही है। तो यहाँ पर देख लो इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी आपको देखी जा रही थी, या अगर सबसे कम है तो दोस्तों वो है 20%। ठीक है, देखिए सबसे कम है तो 20%, अगर सबसे ज़्यादा है तो 50%। इतनी बड़ी बड़ी तेजी के पीछे राज क्या था, और क्या आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसमें भी आपको अच्छा से अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो चलिए उस न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो आपको हेडिंग पढ़ के ही बहुत अच्छा लगने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों FM अनाउंसमेंट 1.7 लाख करोड़। देखिए एक बार और, ठीक है वन मोर टाइम हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रोनाउंस करेंगे 1.7 लाख करोड़। एक या दो करोड़ की बात नहीं हो रही है, 1.7 लाख करोड़। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस लिए दोस्तों, रिलीफ के लिए, वो भी किन लोगों के लिए, फॉर पुअर पीपल, ठीक है दोस्तों गरीब लोगों के लिए। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो गरीबों के लिए सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो अंडर प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों उनके, एक मिनट यार थोड़ा सा लाइन, ठीक है अंडर प्रधानमंत्री यहाँ पर देख सकते हो, उनके हिसाब से यहाँ पर जो है FM अनाउंस 5 kg ऑफ राइस और 5 kg ऑफ वीट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। मतलब कि दोस्तों गरीबों के लिए राशन थोड़ा मुफ्त कर दिया गया है जिससे उनको परेशानी ना हो, पहला न्यूज़। उसका जो न्यूज़ है यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय, ठीक है और एम्प्लॉयर के लिए किया गया है, ठीक है एम्प्लॉय के ये किया गया है और एम्प्लॉयर के लिए दोनों के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट EPF, ठीक है क्या करेगी दोस्तों, EPF को कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ एम्प्लॉयड कितना 12%, ठीक है और उसके बाद एम्प्लॉय कितना है दोस्तों, वो भी 12% है दोस्तों, ठीक है टोटल कितना हो गया 24% है, ठीक है दोस्तों 24% जो है EPF यहां पर जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ी बहुत जो रिलीफ दी जा रही है पब्लिक को, यहाँ तक कि वर्कर को जो काम करते हैं, ठीक है जो गरीब लोग हैं उनको जो है, वर्कर हैव ऑल्सो बीन अलाउड टू विथड्रॉ अप टू 75% ऑफ EPF। मतलब कि दोस्तों अब जो है फॉर 3 मंथ, ठीक है वेजेस के लिए, तो 3 मंथ का वेजेस जो है उनको धीरे धीरे करके वो निकाल सकते हैं कितना, अराउंड 75% जो है वो अपना EPF निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी न्यूज़ है दोस्तों ये सब गरीबों के लिए बताया जा रहा है। और फार्मर के लिए यहाँ पर जो है, फार्मर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 8.69 करोड़, ठीक है दोस्तों एक 8.69 करोड़ उनको दिया जाएगा, मतलब एक को नहीं सबको दिया जाएगा, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं फॉर फार्मर हु गेट द 6000 एनुअली, मतलब कि दोस्तों हर एक साल उनको 6000 रुपीज़ दिया जाता है, अब उनको जो है दोस्तों फॉर फ्रंट लोड में उसको 2000 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है फॉर दिस वीक के लिए, ठीक है उनको यहाँ पर 2000 रुपीज़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर गरीबों के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है अनाउंसमेंट किए गए हैं। और ये हो गए खाने पीने की चीज़ें, के बाद यहाँ पर जो है उनको हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों FM ऑल्सो अनाउंस फॉर द 50 लाख%, ठीक है 50 लाख पर पर्सन इंश्योरेंस कवर टू डॉक्टर। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हेल्थ केयर में भी ध्यान दिया जा रहा है, उनको जितना भी मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको फ्री में, ठीक है जितना भी हो सकता है गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है दोस्तों, तो उनके लिए उनका हेल्थ चेकअप के लिए दोस्तों 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जिनका एज ठीक है दोस्तों, जो बड़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं उनको दोस्तों, जो ओवर 60 ईयर्स, ठीक है मतलब कि
जो ओवर 60 ईयर्स के आसपास है वो दोस्तों विथड्रॉ कर सकते हैं, कितना 1000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, को किसको दिया जाएगा, ओवर 60 ईयर्स जो लोग हैं, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वोमेन के लिए, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दैट कम अंडर द उज्ज्वल स्कीम के आगे पीछे जो भी आते हैं उनको LPG जो है फ्री दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है। LPG उनको नेक्स्ट 3 मंथ तक क्या दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। ये सब जो भी हो रहा है ये कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ वन लोगों को यहाँ पर 500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए उनको कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं, कुछ खाना भी राशन भी दिया जा रहा है, जितना है यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ छोटी मोटी संख्या में नहीं दी जा रही है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पर इटली में, इटली की आबादी है लगभग 6 करोड़ के आसपास, क्या दोस्तों 6 करोड़ के आसपास जो भी है, ठीक है, 6 करोड़ के आसपास है। और उसमें दोस्तों डेली मान लीजिए 800 लोगों का जो है मतलब काम तमाम हो जाता है, ठीक है। उनको कोरोना वायरस के वजह से उनको बहुत मतलब क्या बताऊँ, ठीक है, मतलब कि दोस्तों उनका तबीयत ख़राब होने की वजह से चल बसते हैं, ठीक है। और हमारा जो 125 करोड़ की जनता है दोस्तों, 130 करोड़, ठीक है, इंडिया की आबादी है 130 करोड़, और मान लीजिए ये 6 करोड़, ठीक है, इंडिया की आबादी है 130 करोड़, अगर कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर कितने लोग मरते हैं, केवल 800 लोग मरते हैं। यहाँ पर कितने 800 लोगों का प्रॉब्लम होता है अगर इंडिया में फैल गया तो। दोस्तों 130 करोड़ में से आप समझ जाइए कितने लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोच समझ के लॉकडाउन लिया है, और लॉकडाउन लेने के बाद दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है निर्मला सीतारमन कॉमर्स मिनिस्ट्री, उन्होंने भी बहुत सारा देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा जो स्कीम है गरीबों के लिए अनाउंस किया गया है। देखिए जब आप सेफ रहोगे तो जाके आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाएगा। आप अगर अभी पैसे के बारे में सोचोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। और दोस्तों मार्केट 3 दिन से डेली अपर सर्किट जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं मार्केट ने बॉटम बना लिया है, ठीक है। वन मोर टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अभी यस्टरडे का न्यूज़ जो आपको बताया था दोस्तों, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, टैक्सेस में छूट दिए थे और डेट को भी बढ़ा दिया गया था और बिजनेस को ईजी कर दिया गया था। उस दम पर मतलब उस न्यूज़ के दम पर जो है मार्केट में बाउंस बैक आया था, लेकिन आज जो डेट है दोस्तों वो ये न्यूज़ है। और यहाँ पर मैं आपको डेट भी दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ठीक है दोस्तों, डेट March 26, 2013, ठीक है, 1:34 पर यहाँ देख सकते हैं 1:30 को आया है दोस्तों ये न्यूज़, ठीक है। मैं आपको टाइम भी दिखा दे रहा हूँ और ये रहा डेट, तो सब कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस न्यूज़ के दम पे ही मार्केट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारी निर्मला सीतारमन जब बोर्ड मीटिंग बैठती है तो अच्छा से अच्छा कुछ ना कुछ पैकेज जिससे हमारे इकोनॉमिक, और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जो मार्केट को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री, चाहे जो भी है दोस्तों, GDP में रिलीफ दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों GDP में रिलीफ दिया गया है, इसके वजह से भी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारी न्यूज़ थे जिसके दम पे मार्केट भाग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सुधर चुका है, ठीक है, अभी और भी महामारी आ सकती है। इसलिए अभी केयरफुल रहें और ख़रीदारी करने से पहले आपको सोचना चाहिए, ठीक है। ये जो आपको तेज़ी दिखी जा रही है आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा, लेकिन अभी आपको वेट करना है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ था जिस पर अच्छा अच्छा स्टॉक भागा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें आप कम से कम पैसा लगा के अच्छा से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी गिरते हुए मार्केट में, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको 10 रुपये का शेयर 5 रुपये में मिल रहा, 5 रुपये में मिल रहा। तो दोस्तों ये 5 रुपीज़ आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये जो 5 रुपीज़ रेट है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो 5 का 10 करने का यही टाइम है। तो अभी क्या करना है आपको, कॉन्सियस सबकॉन्सियस मतलब जागरूक रहना, जब भी आपको मौका मिले तो 5 रुपये में खरीद लो, और दोस्तों आपका 5 का 10 भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, मैं आपको एक तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो रिलायंस को देखो दोस्तों, 50% जब टूट चुका था तो फेसबुक ने आया इस पे 10% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए, ठीक है, क्यों, 50% टूट चुका था। तो 50% अगर ये हो जाएगा 100%, मतलब कि दोस्तों 5 का 10 पैसा डबल। तो ठीक है, ऐसे ऐसे भी वीडियो जल्दी अपलोड किए जाएंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इनक्रेज कीजिए, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।